क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि काश मैं दुनिया में किसी भी किताब को मात्र अपने सर के नीचे रखूं और सो जाऊं, और जब सुबह उठूं तो उस किताब में मौजूद सभी जानकारी, सभी कंटेंट मेरे दिमाग में आ जाए, मतलब किताब का पूरा सार ज्ञान मुझे हो जाए, अब चाहे वो किताब किसी भी भाषा में क्यों ना हो। तो वेल, अब खुश हो जाइए क्योंकि यह प्रैक्टिकली संभव है। अगर जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो शायद आपको पता होगा, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो स्वामी विवेकानंद के बारे में था। हालांकि यह साइकिक शक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास में थी, वो किसी भी किताब को केवल अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़कर उस किताब में मौजूद सारा ज्ञान रिसीव कर लिया करते थे। और जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, यार ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में से ही कई लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को चिट्ठी कहा, रोबोट कहा, और कई सारे सवाल मेरे पास में ऐसे आए जिसमें पूछा कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने जर्मन फिलोसोफर से वो 700 पेज की किताब मांगी केवल एक रात के लिए, जो कि इंग्लिश भाषा में भी नहीं थी, वो एक जर्मन भाषा में थी, और स्वामी विवेकानंद जी को जर्मन भाषा नहीं आती थी, तो उन्होंने केवल कुछ ही मिनटों में उस किताब को अपने दोनों हाथों में बीच में पकड़कर किताब में मौजूद सारा ज्ञान अपने दिमाग में रिसीव कर लिया था। और फिलोसफर के पूछने पर विवेकानंद जी ने किताब को बिना खोले किस पेज में क्या है वो बता दिया था। तो भाई इस तरह के मिलते जुलते कमेंट बहुत सारे मैंने रिसीव किए, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए और आपको रूबरू कराया जाए कि यह भी एक टेक्निक है जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है और ये संभव है, जिसे हमारे आज के विज्ञान ने नाम दिया है क्वांटम स्पीड रीडिंग। जी हाँ, ये एक वो टेक्निक है जिससे आप किताब को खोले बिना मात्र उसे पकड़कर ध्यान लगाकर उस किताब को वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। हालांकि कुछ सालों पहले ही इस तरह के प्रयोग जापान और रूस में किए जा चुके हैं, और कमाल की बात है इस तरह के प्रयोग बच्चों पर किए जा रहे हैं, और अब कई सारी कंट्रीज इस टेक्निक को सीख रही हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के प्रयोग हमारे देश भारत में भी हो रहे हैं। एक्चुअली ये क्वांटम स्पीड रीडिंग किस तरह से काम करता है, दरअसल ये टेक्निक भी एक साधना का हिस्सा है, यह एक प्रकार की साधना है। और हमारे शरीर की ऐसी कौन सी शक्ति है जो क्वांटम स्पीड रीडिंग में आपको मास्टर बना सकती है, ये शक्ति है हमारी थर्ड आई की। सिंपल इज दैट, आपको अपनी थर्ड आई पर काम करना होगा, मतलब आपको ध्यान की साधना करनी होगी और अपनी तीसरी आंख पर ध्यान लगाना होगा। जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो आपको इस तरह की न जाने कितनी शक्तियां मिल सकती हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि यह साधना इतनी आसान नहीं है कि आपने YouTube खोला और वहां पर सर्च किया हाउ टू लर्न क्वांटम स्पीड रीडिंग और बस 2 मिनट में आपने प्रयोग किया और आप बन गए मास्टर। नहीं, 2 मिनट में सिर्फ मैगी ही बन सकती है। यह एक तरह की तपस्या है, एक प्रयास जो केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यह शक्ति गॉड गिफ्टेड भी किसी को मिल सकती है, बट अफसोस वी आर नॉट एज लकी। अगर यह प्रयोग बच्चों से कराया जाए तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं सफल होने के कंपेयर बड़ों के। और जब एक बच्चा इस पर ध्यान लगाना सीख जाता है तो दुनिया की कोई भी किताब किसी भी भाषा में उसे केवल मात्र फ्लिपिंग करके, फ्लिपिंग मतलब अपने अंगूठे से तेजी से पन्नों को पलटना, ऐसा 2-4 बार करते ही किताब में मौजूद कंटेंट उभर कर उसके दिमाग में चला जाता है, क्योंकि एक बच्चे का दिमाग बड़े के दिमाग से थोड़ा अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे की एक तार्किक बुद्धि विकसित नहीं हुई होती है, एक बच्चे के साइकिक सेंसेस काफी एक्टिवेट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी तार्किक बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप किसी भी चीज को जो काफी सूक्ष्म है, कभी कभी अविश्वसनीय है, आप उस पर सीधे से यकीन नहीं करते बल्कि अपने तर्क लगाते हैं, और तर्क वितर्क वाली बुद्धि ही आपको मास्टर बनने से रोकती है। पूरी दुनिया में जितने भी प्रयोग होते हैं या तो वो जानवरों पर होते हैं, और जो प्रयोग में खतरे कम होते हैं वो प्रयोग बच्चों पर होते हैं। अब चाहे वो हिप्नोटिज्म हो, टेलीपैथी हो, या अपने पिछले जन्मों में जाना, ये सभी प्रयोग बच्चे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऐसे 2 इंसानों के नाम बताता हूँ जिनके पास में क्वांटम स्पीड रीडिंग की शक्ति थी। एक को तो आप जानते ही हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी। दूसरे हैं ओशो रजनीश,
जिन्होंने अपने जीवन में तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ ली थी, और उन सभी किताबों में मौजूद डेट्स और नंबर्स जैसी छोटी छोटी चीजें ओशो रजनीश को ऐसे याद थी कि मात्र एक बार किताब पढ़ने के बाद आप उनसे 2 साल बाद भी पूछ सकते थे कि फला फला किताब में इस पेज नंबर पर क्या लिखा था, वो बता सकते थे। वेल, उनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ओशो रजनीश की विचारधारा को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत गहराई में जाकर बात करते थे, और अगर उनकी बातों को ऊपर से लिया जाए तो उनकी वो बातें गलत भी लग सकती थीं। हालांकि उनकी बातों को समझने के लिए एक डीप थिंकर होना जरूरी है। तो वेल, यही था आज का वीडियो। आपको उन सभी सवालों के जवाब देने थे जो आपने मुझसे उस वीडियो में पूछे थे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।